हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफिनिटी टेरोसिक्स, वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके भावनाएं क्या है। ऑफ कोर्स इट विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। बट मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहती हूँ कि दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना। चाहे को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें डिफरेंट रीडिंग्स देखने के लिए। फॉर एग्जांपल कैंडल वैक्स, सैंड, कॉफी, डाइस, क्यूब्स रीडिंग्स देखने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे इस रीडिंग को क्लेम करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहाँ पे मैं एंजल नंबर्स, मास्टर नंबर्स के बारे में मैं बोलती हूँ। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। सो हम थोड़ा सा इस टेक से स्टार्ट करते हैं एंड देन विल गो इन टू द अदर थिंग्स। ठीक है, कल भी मैं एक स्पेशल रीडिंग लेके आने वाली हूँ। ठीक है, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, प्लीज सोचिए, उनके बारे में फोकस कीजिए। हायर पावर, वी डू हैव नो पीस लाइक होम, वी हैव द चॉप वुड, वी डू हैव द यंग एनर्जी एंड वी हैव द मेंडिंग, मतलब रिपेयरिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए मैं आपको राशि बता देती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा हो सकता है, यस लियो हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके, आप जिनके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके साथ इनका मतभेद हुआ है, या कहीं ना कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या कहीं ना कहीं पे हो सकता है ये इंसान के साथ आपके बातों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लेकिन एक तार जो आप दोनों को जुड़ के रख रहा है। ठीक है, ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे आप देख रहे हो इनके जहन में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। ठीक है, यू आर, यू कैन से दैट सबसे पहले जो प्रायोरिटी आप समझते हो कि नहीं, वो नहीं देते हैं प्रायोरिटी, बट सबसे जो प्रायोरिटी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो हो आप। यहाँ पे फोर नंबर, 444, 444 कैन बी इम्पोर्टेंट, 5, 6, 2, 4 एंड 7, 5, 5, 4 आप देख सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है ना, डेली मैं आपको बता सकती हूँ, डेली इवन काम करते वक्त भी, रूटीन वर्क करते हुए भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं पे जिस तरह से हम अपने घर में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं, चाहे कितना भी हम जगह पे जाए, ठीक है, वहाँ पे हमें अच्छा सा घर प्रोवाइड किया जाएगा, या कुछ होटल्स में हम जाए, जितना भी हम लग्जरी एंजॉय करें, लेकिन सुकून जो है ना, कन्वीनियंट जो होते हैं ना, वो हम घर में ही होते हैं एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है ना, आपको मिस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली दे फील दैट यू आर देयर सेकेंड हाफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है। अगर आप इस इंसान से पहली बार मुलाकात किए हो, तो ये इंसान मुझे दिख रहा है कि इनको इस तरह से आपको देख के इस तरह से लगा होगा कि आपको ये कहीं ना कहीं पे पहचानते हैं, और आपको देख के लग रहा होगा कि, मतलब आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आप इनके घर परिवार के जैसे ही हो, यू आर पार्ट ऑफ देयर फैमिली। ठीक है, तो ये इंसान आपके अंदर एक बचपना को भी फील किए है एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट कि
ये रिलेशनशिप में रिकवरी हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, ये इंसान यही चाहते हैं. ओके एंड आई डू फील दैट सम ऑफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन. एंड दरवाजा अगर कोई है इंसान, अगर आपको उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, तो इंसान चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो सिचुएशन है ये फेवरेबल पोजीशन पे आ जाए, सब कुछ राइट वे पे चले और ब्लॉकेजेस जिंदगी से, मतलब जितना भी दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, वो सब गायब हो जाए. अभी हम यहाँ से देखते हैं. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, जो व्यूअर्स उनके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं पर्सन, उनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. ओके, दिस इज द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पिसेस एंड स्कॉर्पियो. पेज ऑफ कप्स, वाओ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कैंसर, पिसेस, स्कॉर्पियो, सेवन ऑफ वैंड्स. वी डू हैव द हायरोफेंट, वाओ, we do have the nine of pentacles. So 9, 5, 7 can be very important. ace of wands, मैंने आपको यहाँ पे यही बताया था कि जो lock है अभी, lock बहुत सारे लोगों के लिए unblock हो सकता है, situation सब कुछ सही जा सकता है, ठीक है. all right, ये इंसान एक चाहत इस तरह से रखते हैं बहुत ज़्यादा. ये इंसान देखो, आपके चाहत में ना, ये इंसान अपने आप को कंट्रोल कर रहा है बेसिकली, बिकॉज ऑफ द करियर इश्यूज या समथिंग, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देमसेल्स. यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पिसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं पे इनकी चाहत, इनके दिल की जो इच्छाएं है, डिजायर्स है, काफ़ी ज़्यादा है आपसे डेफिनेटली मिलने का. ठीक है, एक चांस वो ढूंढते रहते हैं, आपके लिए बेकरार हो रहे हैं. ठीक है, जितना भी दूरी आप दोनों में आ गया है, अगर आया है तो ये पूरी तरह से उसको मतलब डेफिनेटली उसको ख़त्म करना चाहते हैं. एंड ये इंसान, आप अगर सोच रहे हो ये आपको मतलब वैल्यू नहीं दे रहे थे, या कहीं नहीं आपको आपका दर्जा नहीं दे रहे थे, आप डिजर्व करते थे बहुत कुछ लेकिन इन्होंने आपको इग्नोर किया था, तो ये इंसान बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, सिचुएशन रिवर्स हो चुका है. कहीं ना कहीं ये आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आपको स्पाई एंड स्टॉक तो करते ही रहते हैं, लेकिन आपके आस पड़ोस के बारे में भी इनको सब कुछ जानकारी है. आप क्या काम करते हो डेली, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम योर स्केड्यूल इज नोन बाय दिस पर्सन. ठीक है, इतना डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, यू कैन से लाइक दैट. कहीं ना कहीं पे एक रोमांस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रहा है. अगर आप इनसे पहली बार मिले हो तो बहुत ये इंसान को लग रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है. दे वॉन्ट टू ऑफर देयर कप ऑफ लव टू यू. बेसिकली ये इंसान अगर आपसे डिटैच हुए थे, मे बी देर वॉज अ लेडी, हो सकता है वो काफ़ी लेडी हो सकता है, कोई जेंट्स भी हो सकता है, वट एवर बी इट इज, बिकॉज एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ. कहीं ना कहीं पे देखो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है ना, सो दे ऑलवेज फील ड्रीमी अबाउट यू. बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करना, काश, ख्याल इस तरह से रखना, ठीक है, जुनून बहुत ज़्यादा सवार है इनमें. ठीक है, कुछ कर दिखाना आपके लिए, एक रोमांटिक एंड लाइट डिनर, ठीक है, सब कुछ एक मतलब फ्लैशी एटमोसफेयर, आप समझ रहे हो ना, कि जहाँ पे पूरी तरह से कैंडल्स हो, एक वेलवेट की चादर हो, और बहुत ज़्यादा डीप सेक्सुअल रोमांस हो. ठीक है, इस तरह से एक मतलब अफेयर्स, आई कैन फील इट लाइक दैट, वो आपके साथ मेंटेन करना चाहते हैं. ठीक है, और जो तन्हाई है, ठीक है, उसको दूर करना चाहते हैं, और डेफिनेटली आप ही से होता है. अगर इन्होंने आपको कट आउट कर दिया था लाइफ से, या
अगर ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उसके पीछे रीजंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। एक तो ये करियर के ऊपर होगा, एक तो इनके कंट्रोलिंग एंड वेरी डोमिनेंट मदर, ठीक है, हो सकता है इनके परवरिश हो सकता है इस तरह से हुआ हो, इनको कभी भी महसूस नहीं हुआ। इनके ज़िंदगी में ऐसे औरत भी हो सकते, इनके एक्स वाइफ भी हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं, जहाँ पे इनको मतलब महसूस ही नहीं हुआ प्यार, सिर्फ इनको यूटिलाइज किया गया था, ठीक है, पैसों के लिए, या इन्होंने प्यार की मतलब भाषा जो है, द लैंग्वेज ऑफ लव इज़ नॉट नोन बाय दिस पर्सन, ठीक है। ये इंसान देखो, अगर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप हो तो ये ऑलरेडी ये जो सिचुएशन से जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है इनके ज़िंदगी में, बहुत कुछ मुकाबला इनको करना पड़ रहा है, ओपोनेंट्स बहुत ज़्यादा है, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में भी हो सकता है ये बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़े, इसलिए ये इंसान ना मतलब बहुत कुछ सोचते हैं, ओके, बट ये इंसान डिसीशन ज़रूर लेंगे। दिस इज द हायरोफेंट कार्ड, ऑलवेज स्पीक्स अबाउट अ कॉन्क्रीट डिसीशन। ये आपको शादी करना चाहते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अपने फैमिली को राजी करा के ये करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये इंसान सिर्फ शादी नहीं, ये इंसान अपने बलबूते पे खड़े होने चाहते हैं, एंड दे वांट टू बी वेरी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली आल्सो एट द सेम टाइम, एंड वो आपको भी मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गॉर्जियस हो, आप अपने फील्ड पे माहिर हो, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजबल हो, आप बहुत ज़्यादा वाइज हो, एंड यू आर वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटिफुल टू देम, चाहे आप जो भी हो, ठीक है, चाहे आपके बॉडी लैंग्वेज से उनको प्रेम है, चाहे आपके लैंग्वेज से, चाहे आपके नेचर से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है, एंड डेफिनेटली दे वांट टू टेक स्टेप, दे वांट टू गिव यू प्रोटेक्शन। जो सपोर्ट की कामना आप कर रहे हो, ये इंसान आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली दे वांट टू स्टार्ट। आप देख रहे हो ना बॉटम ऑफ द कार्ड क्या आ रहा था, यहाँ पे भी देखो मेंडिंग रिलेशनशिप, और यहाँ पे आ रहा था एस ऑफ वैंड्स, सो ऑफकोर्स यस, हम देख लेते हैं कि आपका फीलिंग्स क्या है इस इंसान के लिए, थोड़ा सा हम ये भी चेक करेंगे। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन, आपका क्या फीलिंग है वो तो हमें देखना ही पड़ेगा ना, आप क्या फील करते हो इस इंसान के लिए। वाओ, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, थ्री ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, वाओ नाइस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप अच्छा आप लिब्रा हो सकते हो, कैंसर, पिसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कहीं ना कहीं पे आप ऐसा समझते हो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब लग्जूरियस लाइफ जीना प्रेफर करते हैं, आप मानते हो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल भी है, हो सकता है कि आप इनको कोई डेट्स पे ऑलरेडी इनके साथ जा चुके हो या जाना चाहते हो, एंड डेफिनेटली यू वांट टू शेयर, ओके, योर स्टोरी विद दिस पर्सन, आपके सक्सेस स्टोरी बोलो, या कहीं ना कहीं पे आप इनके साथ रिलेशनशिप को पूरी तरह से लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आप रखना चाहते हो, आप चाहते हो ये इंसान आपके साथ जस्टिस करे, न्याय करे, एंड यू वांट अ न्यू जर्नी विद दिस पर्सन, एक नए सफ़र जिंदगी का आप इनके साथ, ठीक है, करना चाहते हो, एंड डेफिनेटली यू वांट टू शेयर योर हैप्पीनेस। आपके ज़िंदगी में हो सकता है रिसेंटली आपको कोई सक्सेस मिला है, या मिला था, आप इनके साथ उसको शेयर करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए योर बर्थडेज आर कमिंग नियरली, एंड यू वॉन्ट टू स्पीक टू देम फ्रेंकली, बट आप कभी कभी समझते भी हो इस इंसान को, ये बहुत ज़्यादा खरूस है, ये बहुत ज़्यादा घमंडी है, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, ये अगर मुझे इतना ही प्यार करते तो मेरे तरफ एक्शन क्यों नहीं लेते, ठीक है, तो ये इंसान अपने में ही क्यों रहते, ये अपना लव फीलिंग्स एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमें क्यों एग्जिबिट नहीं करते, जिस तरह से एग्जिबिशन में सब कुछ तो खुला रहता है ना, तो ये इंसान के अंदर जो भी है तो ये सामने क्यों नहीं आते, ये एनवेलप में सील क्यों रहते हैं फिर, ठीक है, तो इस तरह सा क्वेश्चंस आपके माइंड पे है। आपको लगता है इस इंसान, कुछ लोगों के लिए अगर आप नए मिले हो तो आपको लगता है ये इंसान को अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है ये हायर पोजिशन पे है, ठीक है, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हो सकते हैं ये इंसान, या
लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है या कॉर्पोरेट हो सकता है ये इंसान, ठीक है। आपको लगता है ये इंसान थोड़ा सा अगर एक्सेसिबल होते तो आपके लिए बहुत आसान सा रहता, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल के जो मतलब इनके जो एटीट्यूड है या इनका जो बॉडी लैंग्वेज है या इनका कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज़ है जो आप भी प्रभावित होते हो, आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो और आप डिटैच नहीं हो पाते इस इंसान से। भले ही इन्होंने आपको डिटैच कर दिया, आपने भी गुस्सा होकर आगे बढ़ गए, बट फिर भी यू आर स्टिल अटैच्ड विद दिस पर्सन, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जिनके लिए आप इस रीडिंग देख रहे हो, इनके हालात थोड़ा सा टफ है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं द गाइडेंस कार्ड, क्या है गाइडेंस आपके लिए, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। यस, द गार्डनर, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स को कि हमारे जो वातावरण है, ठीक है, उसमें हर एक इंसान को, हर एक जीव को, हर एक चीज को बनाया गया है कुछ पर्पस के लिए। आपके जो सोल पर्पस है, आपके जो डेली लाइफ है, रूटीन है, उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। ओके, ऑलराइट, इमोशनल फ्रीडम, ठीक है। डेफिनेटली ये आपके लिए ये गाइडेंस है कि रिलेशनशिप में हमेशा आप इमोशनली एक्सप्रेस करोगे और डेफिनेटली सामने वाले इंसान भी एक्सप्रेस करने चाहिए और आपको एक्सप्रेस, ऐसा नहीं कि आप कुछ बोलने जाओगे तो सामने वाले इंसान आपको कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपना बात रख रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे जो भी इंसान हो, चाहे वो हाई फाइव हो, चाहे वो प्रोफाइल अच्छा हो, चाहे आपको बहुत अच्छा लगे वो इंसान, लेकिन अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये आपके लिए एक गाइडेंस है, ठीक है। आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना जो खुद के अस्तित्व है, उसको आपको बरकरार रखना है, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। डेफिनेटली ये इंसान कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कमिटमेंट आपको देंगे, ठीक है, और आप चाहते भी हो, सो डेफिनेटली देर इज़ अ यूनियन ओवर हियर। नाउ बेसिकली मैं थोड़ा सा क्यूब्स से देखने की कोशिश करूँगी यहाँ पे, एंड आई डू फील कि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसमें से। जस्ट अ सेकेंड, आई गेस बिकॉज वो दूर रखा है। ओके ओके, मैं और भी क्यूब्स लेके आ रही हूँ आने वाले समय में। ओके, जैसा जैसा है वैसा वैसा ही है। देखो, इसमें आपको सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो ये इंसान आपके तरह बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, डिफिकल्ट डेज आपका जा रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे रेनबो है, ठीक है। किताब हो सकता है ये इंसान, डेफिनेटली हो सकता है स्टूडेंट है या हायर लर्निंग एनवायरमेंट में आप उनको मिले, मे बी कॉलेज यूनिवर्सिटी, इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे ये इंसान का गुस्सा बहुत ज़्यादा है मुझे दिख रहा है। विल ऑफ फॉर्चून, डेस्टाइन टाइम पे यूनियन होगा। ये इंसान मे बी बहुत ट्रैवल करता है, ये इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं या आपको कुछ कहना चाहते हैं, शायद ये फ़ोन कॉल्स भी करते हो या मैसेज भी करते हो लेकिन डिलीट कर देते हैं। ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फायरी पैशनेट है ये और शुभ है ये कनेक्शन जो है ना, काफ़ी शुभ है बट स्लो है। ओके, सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट। सो इफ यू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोट, सिक्स, वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस।